यूपी सरकार से दारा सिंह चौहान का इस्तीफा। योगी कैबिनेट मंत्री वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन, कहा कई और लोग भी साथ में करेंगे साइकिल की सवारी। कल ही कैबिनेट मंत्री के पद से दिया था इस्तीफा। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को झटका, इमरान मसूद ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। अपना दल एस और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर बातचीत, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिली अनुप्रिया पटेल, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड की सीटों को लेकर हुई बात। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 7 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। बीजेपी विधायक अवतार भड़ाना आरएलडी में शामिल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक हैं भड़ाना। विनय शाक्य ने अपने अपहरण की बात को बताया गलत, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे शाक्य। यूपी में दल बदल जारी, बीजेपी ने भी दिया सपोर्ट, कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, एसपी विधायक हरिओम यादव, धर्मपाल सिंह ने ज्वाइन की बीजेपी। सूत्रों से मिली खबर, मथुरा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सीएम योगी, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुआ फैसला। सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य उत्तरी प्रयागराज से हो सकते हैं उम्मीदवार, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश के साथ शिवपाल यादव की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, 6 सीटों पर बनी बात, अपने सहयोगी दलों के साथ भी अखिलेश ने की बैठक। मकर संक्रांति के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस हाईकमान ने तय किए लगभग 200 से सवा 200 टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा आज, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करेंगे शिरकत, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर लगेगी फाइनल मुहर।